देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर ला दिया गया है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार भी अभी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। बात अगर रादौर स्वास्थ्य केंद्र की करें तो यहाँ पर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 50 से लेकर 60 लोगों की प्रतिदिन जो है सैंपलिंग कर जाँच के लिए लैब में भेजी जा रही है। रादौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के SMO डॉक्टर विजय परमार ने कहा कि अभी तक अगर बात रादौर क्षेत्र की जाए तो यहाँ पर 4 मामले जो हैं कोविड से संबंधित आए थे जो कि रिकवर हो चुके हैं। हालांकि एक मामले में जो है एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना केसेस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं, और अगर हम अपनी OPD में भी देखें तो OPD के अंदर बहुत पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो गला खराब, खांसी, जुकाम, बुखार और जनरलाइज वीकनेस से आ रहे हैं। तो जो भी सस्पेक्टेड केसेज हैं हम उन्हें कोविड के लिए सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो हम पीछे यहाँ सैम्पलिंग शुरू कर चुके हैं। डेली हम यहाँ सैंपल्स हैं यमुनानगर भेज रहे हैं उनके, और ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनको बताई जा रही हैं कि अगर उनकी रिपोर्ट नहीं भी आई अभी तक तो वो अपने आप को अलग रखें, अपने आप को क्या मास्क लगा के रखें, अच्छी डाइट लें और प्रॉपर एक्सरसाइज व्यायाम जो है योगा वो करते रहें। हमारे एरिया में अभी तक 4 केस टोटल हैं आए हैं, लेकिन वो बाकी रिकवर कर गए हैं। एक का जैसे आपको मालूम है कि दुर्भाग्यवश वो एक मौत हो गई थी खजूरी के अंदर, लेकिन वो केस जो था वो PGI से वहाँ से ही हमें पता लगा था, क्योंकि पहले वो ट्रीटमेंट अपना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ले रहे थे और बाद में हमें तो PGI से सूचना मिली कि वो ऑस्ट्रेलिया निकल गई थी। PSC पे इनको सबको PSC और HWC लेवल पे भी मैं निर्देश दे चुका हूँ अपनी टीम्स को कि वो जो टेस्टिंग को शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करें जहाँ पर सिम्टम्स हैं उनमें भी, और जो दूसरे हैं उनमें भी करें, ताकि हमें एक लोड का पता लग सके कि हमारे पास कोरोना का कितना लोड है। लोगों को क्या हिदायत है? लोगों को तो मैं यही हिदायत देना चाहूँगा कि अगर किसी को भी बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम अगर होता है तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर ले, अपने घर में अलग रखे, मास्क का इस्तेमाल करें, लगातार हाथ धोएं और अपने बर्तनों को अलग रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहें जो हैं उनमें ना जाएं। कोशिश करें कि अगर आप बीमार हैं तो मास्क हर हालत में आपके लगा रहें। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है, हमें भी जो है अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए, अगर हमें जाना भी पड़ जाए तो फेस मास्क का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए।